ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਦਾ ਰੱਖ ਨੀ ਧਿਆਨ ਵੇ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਵੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਛਾਣ ਪਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ क्या आप अपनी कैडबरी का एक छोटा सा बाइट देंगी नहीं चल निकल बेकारी साला यहाँ मैंने टॉफी रखी थी कहाँ गई अबे वो तो मैं खा गया क्या दो दिन से वो टॉफी मैं चाट चाट के रख रही थी आखिरी बची थी वो और तू खा गया साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖ ਨੀ ਧਿਆਨ ਵੇ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਵੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਛਾਣ ਪਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਸੁਮੀਅਤ ਲੁੱਟ ਜੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਖਾਵਾਂਗੀ ਚੋਕਲੇਟ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੈਡਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬਾਈਟ ਦੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬੇਕਾਰੀ ਸਾਲਾ ਸਭੀ ਲੜਕੋ ਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਥੀ कभी डेयरी मिल्क खरीद के खाई भी है कभी डेयरी मिल्क खरीद के खाई भी है या सिर्फ देने के लिए खरीदते हो तुम मुझसे थाली कलेगी नहीं मैं नहीं तलूंगी कर लेना नहीं कर लेना मैं तेरे को तोहफी दूंगा इसलिए तो नहीं कर ली क्योंकि मेरी पहले से किसी से तुलतुले में बात हो गई है देखिए वैलेंटाइन ऐसा होना चाहिए ना जो रोज डे पर आपके ऊपर रोजेस की बारिश करे टेडी डे पर आप पे टेडीज की बारिश करे चॉकलेट डे पर आप पे चॉकलेट की बारिश करें और हग डे पर आपके ऊपर हग दे आपको हग्स दे 50 रुपए का गुलाब 900 रुपए की चॉकलेट 2500 का भालू 2000 की ड्रेस 3000 ओयो का रेंट ये सारा खर्चा उनके लिए जो रिलेशनशिप में वो जो सिंगल है 2 GB नेट खत्म वैलेंटाइन डे आई लव यू टू अरे मैंने लव यू बोला ही नहीं अभी तो बोला कब क्या बोला क्या नहीं बोला लव यू अरे लव यू नहीं बोला I can read your lips on your fingertips I can feel your smile come on my lips and happiness in your eyes तू मुझसे प्यार करती है हाँ बहुत करती है हाँ हमेशा करेगी हाँ शादी के बाद भी करेगी हाँ। तेरा पति कुछ कहेगा तो नहीं बेटा इतनी चॉकलेट नहीं खाते हैं अंकल मेरे दादाजी 105 साल जिए क्यों चॉकलेट खाते थे नहीं अपने काम से काम रखते थे Come on my lips and happiness in your वैसे
क्या शुभ काम करने जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि आपको घर छोड़ दूं। सूख गए सारे रोज, नहीं किया किसी ने मुझे प्रपोज। चॉकलेट में खुद लेके खा रहा हूँ, खा खा कर टेडी बियर हुआ जा रहा हूँ। प्रॉमिस के नाम पे ठग लिया, ख्वाबों पे मेरे हक दिया, किसकी तो बात ही नहीं आई। वैलेंटाइन डे पे बोल गई मुझे भाई। तुम मुझसे थाली कलेगी? नहीं मैं नहीं तलूंगी। कर लेना। नहीं कर लेना, मैं तेरे को तोहफी दूंगा। इसलिए तो नहीं कर ली क्योंकि मेरी पहले से किसी से तुलतुले में बात हो गई है। अलग अलग देशों के प्रपोज करने के तरीके। यूरोप में आई लव यू, पाकिस्तान में मोहब्बत हो गई आपसे, बांग्लादेश में आमी तुम आके भालोबासी, और इंडिया में नाइस पिक डियर। आप व्हाट्सएप यूज करती हैं? यार तू जा क्यों रही है यार? यार बताया तो था टेस्ट है, पढ़ना है। ये नहीं, तू मैकडी क्यों जा रही है? बर्गर खाने मयंक के साथ। तो मैं खिला देता हूँ बर्गर। तू खिलाएगा? हाँ तो मैं खिला सकता हूँ, मैंगो बार भी खिलाएगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी कैडबरी का एक छोटा सा बाइट देंगी? नहीं चल निकल बेकारी साला। कहना है कि मैं तेरा दमाका नहीं है, आज तो बाद नहीं खावांगी, खावांगी चॉकलेट, वो भी तेरे पल्लेओं। चल ले के आ, चल चल। यू नो, जब मैं छोटी थी ना तो मैंने मम्मी की लिपस्टिक को चॉकलेट समझ के खा लिया था, तो फिर मम्मी ने मुझे चॉकलेट दिलाई बाद में। मैंने भी खाई थी एक बार। अच्छा फिर तुम्हें क्या मिला था? 3 फ्लाइंग चप्पल, 7 मुक्के, 2 लात, और फिर रात को पापा से शिकायत अलग। सूरत की बात मत कीजिए जनाब, सूरत की बात मत कीजिए जनाब, क्योंकि गोरे लड़कों से ज़्यादा हमेशा सांवले लड़के स्मार्ट होते हैं, क्योंकि लड़कियों को चॉकलेट पसंद आती है, दूध नहीं। ओ छाड़ दे गुस्सा, एक चॉकलेट नहीं ले आया ते गुस्सी हो गई है। डब्बा मंगा दा, हुक्म कर, फैक्ट्री पवा दा। ओ माफ कर, इन्ने पैसे नहीं है गे। जा रुसी रह। किसी सांवले लड़की या लड़के का रंग का मजाक उड़ाने से पहले एक बार जरूर याद रखना कि डेयरी मिल्क की फैन फॉलोइंग मिल्की बार से ज्यादा होती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी डेयरी मिल्क का एक छोटा सा बाइट देंगी? क्या मैं आपको जानती हूँ? तो मेरी माँ कहती है कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, काम अच्छा होता है। जाए रोज डे, बाढ़ में जाए प्रपोज डे, कीड़े लगे चॉकलेट डे को, फट जाए टेडी डे, टूट जाए प्रॉमिस डे, क्या करूं इस हग डे का, किस बात का किस डे, जब बॉयफ्रेंड ही नहीं हमारा तो आग लगे। आपका वैलेंटाइन्स कैसा होना चाहिए? वो केयरिंग होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। कुत्ता क्यों नहीं खरीद लेती तुम? ज्यादा सस्ता पड़ेगा, कुत्ता थोड़ी मेरे फोन का रिचार्ज करवाएगा। अच्छा मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आया कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? कहता दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया। तो मैं डैड आया कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? कहता दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तो मैं कीड़े खाने लग गया। तो मैं डैड आया कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? कहने दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ, जरा बात करनी है। 50 रुपए का गुलाब, 900 रुपए की चॉकलेट, 2500 का भालू, 2000 की ड्रेस, 3000 ओयो का रेंट, ये सारा खर्चा उनके लिए जो रिलेशनशिप में, वो जो सिंगल है, 2 GB नेट, खत्म वैलेंटाइन डे। तुम मुझसे थाली कलेगी? नहीं मैं नहीं तलूंगी। कर लेना। नहीं कर लेना, मैं तेरे को तोहफी दूंगा। इसलिए तो नहीं कर ली क्योंकि मेरी पहले से किसी से तुलतुले में बात हो गई है। यहाँ मैंने टॉफी रखी थी, कहाँ गई?
सूरत की बात मत कीजिए जनाब, सूरत की बात मत कीजिए जनाब, क्योंकि गोरे लड़कों से ज़्यादा हमेशा सांवले लड़के स्मार्ट होते हैं, क्योंकि लड़कियों को चॉकलेट पसंद आती है, दूध नहीं। बेटा इतनी चॉकलेट नहीं खाते हैं। अंकल मेरे दादाजी 105 साल जिए। क्यों चॉकलेट खाते थे? नहीं अपने काम से काम रखते थे। यार तू जा क्यों रही है यार? यार बताया तो था टेस्ट जब पढ़ना है। ये नहीं तू मैकडी क्यों जा रही है? बर्गर खाने मयंक के साथ। तो मैं खिला देता हूँ बर्गर। तू खिलाएगा? हाँ तो मैं खिला सकता हूँ। मैंगो बार भी खिलाएगा।